किसानों को साल में 6,000 राशि देने की घोषणा कर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। ये बात हिमाचल कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कही। नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकार मात्र जुमलों की सरकार बनकर रह गई है और एक किसान को प्रतिदिन 17 रुपए देने की घोषणा कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सरकार किसानों की कितनी हितैषी है। उन्होंने कहा कि किसान को प्रतिदिन 17 रुपए देने के चलते पूरे देश में सभी राज्यों में किसान अध्यक्ष प्रधानमंत्री को रोष स्वरूप 17 रुपए का ड्राफ्ट भेज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कहा कि किसानों को साल में 6,000 राशि देने की घोषणा कर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान विशाल चंबियाल ने कहा कि किसानों को प्रतिदिन 17 रुपए देने के फलस्वरूप देश भर के सभी राज्यों से किसान अध्यक्ष रोष स्वरूप प्रधानमंत्री को 17 रुपए का ड्राफ्ट भेज रहे हैं। उन्होंने 17 रुपए का ड्राफ्ट दिखाते हुए कहा कि इस ड्राफ्ट को भेजने का उद्देश्य सरकार को ये दिखाना है कि 17 रुपए में एक गरीब परिवार का कहां तक गुजारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ये सरकार मात्र चंद महीनों की सरकार रह गई है और लोकसभा चुनाव में देश की जनता इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार कहलाने का दावा करने वाली इस सरकार को चाहिए कि वो किसानों को खाद, कीटनाशक और डीजल पर सब्सिडी दे, लेकिन बजाय इसके सरकार ने 17 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा कर किसानों के जख्मों पर नमक लगाने का प्रयास किया है। विशाल चंबियाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी और 10 दिन के अंदर उनका कर्ज माफ किया गया था, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। बहुत ही भद्दा मजाक है किसानों के साथ। जो हाल ही में जो बजट, अंतरिम बजट जो है वो लोकसभा में रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मैं समझता हूँ किसानों के साथ इतना भद्दा मजाक है कि 17 रुपये पर डे के हिसाब से वो किसानों को देने की उन्होंने बात रखी और इसके लिए हम 17 रुपये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस देना चाहते हैं। हमने इसके लिए ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये ड्राफ्ट जो है हम बाई पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने किसानों का करोड़ों रुपया जो है वो निजी कंपनियों को तक पहुंचाया है। जो किसान बीमा करवाते थे या उनका जो बीमा होता था फसल का, उनका मुआवजा तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो पैसा जो है निजी कंपनियों तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ किसानों के लिए सबसे बड़ा फ्रॉड है आज तक का। और उसके ऊपर जो है इन्होंने 6,000 रुपया दे के जो भद्दा मजाक इन्होंने किसानों के साथ किया, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। और महज 2.5-3 महीने जो इलेक्शन को रह गए हैं और अब ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये मजाक कर रहे हैं। इन्होंने 4.5-5 साल जो है वो जुमले की सरकार चला दी और बचे हुए 3 महीने में भी इन्होंने जो मजाक किया, मैं समझता हूँ आने वाला जो समय है इनको बहुत जल्द जो है इसका जवाब देगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो चरम सीमा के ऊपर हैं। इनको पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनको कम करना चाहिए था, और अगर वो कम नहीं करने में नाकाम थे तो जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय ये बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज पेट्रोल और डीजल के जो हैं अंतर्राष्ट्रीय में जो हैं वो रेट कम है, उसके बावजूद भी जो है इनके रेट कम नहीं हो रहे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।